रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खेरपालिया निवासी 46 वर्षीय व्यक्ति बाइक पर सवार होकर दुकान से अपने घर जा रहा था, तभी दूधलाई चौराहे के पास मार्ग में ट्रक के हॉर्न से सड़क पर चल रही भैंसे भड़क गई और दौड़ती हुई बाइक सवार से टकरा गई, जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसे पहले रामपुरा शासकीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में नीमच रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिला अस्पताल में मृतक के भाई देवीलाल और पुत्र संदीप बंजारा से मिली जानकारी के मुताबिक राधेश्याम पिता मांगीलाल कछावा बंजारा उम्र 46 वर्ष निवासी खेरपालिया द्वारा देवरान से अपनी दुकान मंगल कर बुधवार शाम 7 बजे के लगभग अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान दूधलाई चौराहे के पास ट्रक के हॉर्न से सड़क पर चल रही भैंसे भड़क गई और राधेश्याम की बाइक से जा टकराई, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे पहले रामपुरा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में नीमच रेफर किया गया। नीमच पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका गुरुवार को पीएम कर शव परिजनों को सौंपा गया। उक्त मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। इनकी टायर पंचर थी, वो वहाँ से घर जा रहे थे, तो रास्ते में दुबले के आसपास कोई ट्रक आ गया, ट्रक वाला था कोई, उससे उनका एक्सीडेंट हुआ और ये करीबन 7 बजे का हमें सूचना मिली। हम गए वहाँ से लेके रामपुरा सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने इलाज उलाज किया और उन्होंने कहा इनको नीमच लेके जाओ। फिर हम यहाँ लाए, यहाँ देखा डॉक्टर साहब ने, तो देख के बराबर उन्होंने कहा कि आगे होने वाला नहीं। हाँ, तो कब की बात है ये? ये सर रात की बात है। कहाँ जा रहे थे? घर पे? सर घर जा रहे थे, और उनका नाम है राधेश्याम जी पिता मांगीलाल जी बंजा। उम्र? उम्र 50 वर्ष। निवासी? खेतपाली, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। आप क्या लगते हैं इनके? सर मैं गाँव का हूँ, पड़ोसी हूँ।